हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैसेल प्रियेश पटेल। पुनः अवलोकन धोरण 12 साइंस की जो प्रोसेस है वो फाइनली शुरू हो चुकी है। 6 तारीख से वो शुरू होने वाली है, लेकिन आप आपके कॉल लेटर बोर्ड की वेबसाइट से ऊपर से आपका सीट नंबर और मोबाइल नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा है तो आप हमारी इस चैनल के ऊपर जाओगे तो ये रहा, क्लियर। अब इसमें जो कॉल लेटर आता है उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन करी है, तो मैं वन बाय वन वो सारी चीजें आपको यहां पे समझाता, ये समझाऊ। उससे पहले अगर आपको 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में फेल हो, आपको हमारी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी की, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, उसके ऊपर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप ज्यादा इंफॉर्मेशन बैच की और फीस की ले सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सीट नंबर, यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। आप ले जा सकते हो, लेकिन आप आपके कार में रख के ही अंदर जा सकोगे, आप अंदर आपका मोबाइल फोन नहीं ले जा सकोगे। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज लिखा है कि भाई जे पण तमने स्थल तारीख और टाइम दिया है, उस टाइम पे उस जगह पे उस दिन पे हाजिर रहना है। अगर आप 3 से 4 सब्जेक्ट में करने वाले हो अवलोकन, तो आपको 1 आर दिया जाएगा। 3 से 4 सब्जेक्ट है तो आपको कितना मिलेगा, 1 आर, है ना। और अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट है तो आपको मिलेगा हाफ आर तक आप वहां पे बैठ के देख सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं बैठ पाओगे। फिर क्या लिखा है, आपके साथ आपके माता या फिर पिता जा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आपके रिलेटिव को भी आप ले जा सकते हो, आपके भाई को भी ले जा सकते हो, बहन को भी ले जा सकते हो, टीचर को भी ले जा सकते हो, अकेले भी जा सकते हो, है ना, अकेले भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद भी स्टूडेंट के साथ जाके आया हूँ, क्लियर। आप अकेले भी, आपके टीचर को भी लेके जा सकते हो। इसमें लिखा हुआ है फी की रिसिप्ट लेके आना है, आपने जो अवलोकन की फीस भरी है ना उसकी रिसिप्ट, ये पहली चीज। दूसरी, अगर आपने बैंक में भरा है पैसा तो बैंक का रिसिप्ट होगा, वो लेके आना है। ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट होगा। गुण पत्रक मतलब आपकी मार्कशीट, 12th की जो फेल वाली मार्कशीट है वो जेरोक्स भी चलेगी, ओरिजिनल भी चलेगी। फिर प्रमाण पत्र नहीं नकल, मतलब दोनों लेके जाना है ना, ओरिजिनल भी लेके जाना और उसकी जेरोक्स भी लेके जाना। थोड़ा लिखने में गड़बड़ है, गुण पत्रक और फिर प्रमाण पत्रक लिखा है, दोनों सेम ही है। गुण पत्रक और गुण पत्रक की जेरोक्स दोनों साथ में लेके जाना, मतलब ओरिजिनल भी लेके जाना जेरोक्स भी लेके जाना है, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो भूल मत जाना फी की रिसिप्ट और आपकी मार्कशीट, है ना, मार्कशीट ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों आपको लेकर के जाना है। फिर आगे बढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकोगे, मोबाइल फोन नहीं ले जा सकोगे, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट नहीं ले जा सकोगे, पेन बॉल पेन पेंसिल कुछ भी नहीं ले जा सकोगे, कोई भी मटेरियल अंदर नहीं ले जा सकोगे, क्लियर। अंदर कुछ भी आपको अकेले हाथ जाना है, खाली हाथ वापिस आना है। क्या लिखा है, अंदर कैमरा होगे, कैमरा रखे होंगे, तो आप ऐसा कुछ करते पकड़े गए, अंदर लिखते पकड़े गए, कुछ भी किए तो आपका रिजल्ट ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ करने का ट्राई वहां पे मत करना, क्लियर। शांति से बैठना है, शिस्त का पालन करना है, कोई दलील वहां पे नहीं करनी है कि मेरे इतने क्यू मार्क रखे, इतने हो सकते हैं मैं आपको उड़ा दूंगा, ऐसा कुछ करना नहीं है, क्लियर। तो शांति बनाए रखे, अहिंसा परमो धर्म। अवलोकन के लिए 1 कर्ता वधु अर्जी आपने करी होगी, तो पहली जो आपकी अर्जी होगी वही एप्लीकेबल होगी, है ना। आपने ऑनलाइन 2-3 अर्जियां कर दी है तो पहली वाली करें, कि दूसरी वाली अर्जी एप्लीकेबल नहीं होगी और आपको फीस भी रिटर्न नहीं होगी। फिर क्या किया है कि रूबरू मा आपको रूबरू आना होगा, है ना। आपको क्या लिखा है, आप एक बार आ गए, अगर आप नहीं आते हैं कोई भी रीजन से तो आपको दूसरी बार बुलाया नहीं जाएगा। आपका जो टाइम है, आपका जो प्लेस है वो फिक्स है, दूसरी बार आपको बुलाया नहीं जाएगा, क्लियर। तो आपको उस टाइम पे हाजिर रहना है, उसके बाद फीस भी रिटर्न नहीं मिलेगी, आपकी कोई रजूआत भी ध्यान में ये लोग नहीं लेंगे, ठीक। यहाँ पे फिर लिखा होता है कि भाई डेट ये है, ये स्कूल है, यहाँ पे आपको जाना है, क्लियर। और फिर नीचे क्लियरली लिखा है कि ये मात्र उत्तर वही का अवलोकन ही है, पूर्ण मूल्यांकन नहीं, मतलब फरी थी चेक नहीं था, जे तमारा मार्क मुकाई गया छे, मार्क फाइनल आ तमे मगज में घुसाड़ी देजो। अभी भी मेरे को कॉल आते हैं, सर मेरे अवलोकन में मार्क चेंज हो गए, नहीं हो गए, ये फाइनल है। यहाँ पे क्लियरली लाइन लिखी है, मात्र अवलोकन छे, पुनः मूल्यांकन नहीं। तो एने उसो समझाऊ तमने, तो तमे आ जोई शको छो, अवलोकन एटले जोई शको छो, फरीथी चेक नहीं थवानू, आउ क्लियरली लखी लीधु छे और आपकी साइन भी करवा लेगी ये लोग, क्लियर। तो ये चीज आप खास ध्यान में रखना, क्लियर।
सब कुछ आ गया है, आपकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है, स्कूल भी लिखी हुई है, तो इतनी चीजों का ध्यान रखना, क्या लेके जाना है वो खास ध्यान में रखना। ठीक, तो ये था आपका पुनः अवलोकन का प्रॉपर गाइडेंस वाला वीडियो, आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। और आप जुलाई की एग्जाम दे रहे हो या फिर नेक्स्ट मार्च भी दे रहे हो, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच शुरू है, आप मार्च के लिए या फिर जुलाई के लिए कोई भी बैच में इंग्लिश गुजराती मीडियम में ज्वाइंट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लेकर के कॉन्टेक्ट कभी भी कर सकते हो। तो वीडियो सब में शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलता है ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।